तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम निकल चुके हैं बेजुबान को बचाने के लिए। तो सूचना मिलती रहती है, आना जाना पड़ता है, बेजुबान से जो नाता है वो निभाना पड़ता है। तो इसी अंदाज में एक बार फिर हम आ गए। ये रामपुर गांव है हमारे नहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर ही अभी आना हो गया, सांप देखा गया है। तो सबसे पहले रूबरू करना चाहेंगे उनको जिनको सांप देखा। तो तुमका पूरा नाम? अनुदीप देवदास चौधरी। गावाचं नाव? रामपूर। सांप कसा का दिसला? मी घरात गेलो, बाछ बांधलो आणि बोत्री आणायला गेलो तर दिसला मला। अच्छा, कोणता होता सांप? नाग। अच्छा, नाग प्रजाती का सांप आहे बोलते। चलो आइए, देखते हैं। घर के अंदर ही सांप छुपा बैठा है, तो उसे फटाफट के अंदाज में रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। मैं यहाँ पर ही अभी सांप छुपा बैठा है, यहाँ पर खेती का पूरा सामान रखा पड़ा है दोस्तों। फाइनली हमें सांप दिख चुका है। यहाँ पे बहुत अभी खेती का सामान रखा था इकड़े। तो दोस्तों ये टीन और ये दरवाजा है दोस्तों, ये टीन और ये दरवाजा है। बस इसके गैप में यहाँ पर ही सांप छुप कर बैठा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। लेकिन अभी हम ये टीन निकाल के इसे रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। चल ठीक, काढून टाक जो तू, मैं टीन तिकड़े गंडलून टाकतो, तिकड़ों से पकड़ दो, ठीक है। तो ये टीन निकाल लेंगे दोस्तों अभी हम, और उसे उस साइड से रेस्क्यू करने की कोशिश। दोस्तों देख सकते हैं सांप किस पोजीशन में छुपा बैठा है, वरते ही ना काढून दाखवतो तिकडे। दोस्तों देख सकते हैं इसी इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी और मराठी में नाग, कई के गेवन, कई के खरीस और कई के फिडा के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जिसके बाइट होने के बाद अपने पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का ही समय होता है। तो ऐसे में आप कोई भी झाड़ फूक के चक्कर में ना गिरिए और सीधे सरकारी दवाखाने में जाइए और अपना सही से इलाज करवाइए दोस्तों, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम ही इसका एकमात्र सही इलाज है दोस्तों। इसके बाइट होने के बाद वही लेना है, बाकी दूसरे कोई झाड़ फूक के चक्कर में गिरना नहीं है। तो ये चूहों के सुगंध से आ गया अपने घरों में, अपने आहार के तलाश में अपने घरों में आ जाता है। तो दोस्तों खतरा कहीं भी कैसे भी कभी भी हो सकता है। तो इसे अभी सही सलामत कपड़े के बैग में पैक करेंगे और बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। ये कपड़े की बैग है दोस्तों हमारी, लगा दिए पाइप के जरिए से अभी बैग में एंटर करेंगे और पाइप को भी समझ के चले जाएगा। वो
दोस्तों कपड़े के बैग में इसे हमने सही सलामत अभी पैक कर लिया, बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, वीडियो में दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर ऐसे कोई अगले वीडियो में कोई और बेजुबान को बचा दे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र दोस्तों, धन्यवाद। I'm gonna go to the bathroom.